एकदम परफेक्ट यस हाँ जी एम आई ऑडिबल नहीं मस्ती करेंगे बेटा आज तो कौन नलायक था है, हाँ अब डांस भी करूंगा बेटा सिर्फ गाना की सुनेंगे गया मुझे पता ही है नलायक को यही चाहिए हाँ यस गुड आफ्टरनून मुझे सारे बच्चों के नाम याद एक बार धनाधन बोल दू क्या यस गुड आफ्टरनून क्या हाल चाल सब टकाटक चल रहे हैं क्या yes, सब बढ़िया चल रहा है क्या yes, ओ जुल्फे वाले गजेंद्र देखो नाम याद है ना मुझे भी की गजेंद्र गजेंद्र यस गुड आफ्टरनून गुड ऑफ यू ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गुड आफ्टरनून प्राचीर सूरज विधि देखो सबके नाम याद है मुझे थैंक यू वेरी मच पाजी बाजी ओके अच्छा पढ़ रहे पढ़ रहे चलिए जी तो क्या लग रहा है क्या करें आज पढ़ाई करें मस्ती करें क्या करें बताओ आप पढ़ाने का मूड तो बिल्कुल नहीं है अंकित साक्षी ऋतुजा ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू सबसे पहले आप सुबह उठ के अपना चेहरा uh, आईने में देखते हो क्या ये तू पढ़ने को है साइज देखते नी पढ़ना पड़ेगा ऐसा लग रहा है uh, तो आई थिंक uh, क्या कहूँ पढ़ने का मूड ही नहीं है हमें यही चाहिए शक्ल से मुझे लग रहा था कि नलायक है लेकिन नलायक है तू uh, yes, uh, मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर ले रहा हूँ तो आई थिंक मंडे से सी में भी मैं स्टार्ट कर दूंगा मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग बहुत पीछे जा रही है हाँ तो फीलिंग सही नहीं आ रही है uh, तो सबसे पहले uh, चलो डिस्कशन स्टार्ट ही करते हैं पहले मुझे एक चीज बताओ यार ऐसा कौन सा बंदा यहाँ बैठा हुआ है जो कहता है कि पढ़ाई करके पैसा नहीं कमाना है ऐसा कौन सा बंदा यहाँ बैठा हुआ है कि जो कहता है कि पढ़ाई तो करनी है लेकिन हाँ डिग्री तो चाहिए लेकिन पैसा नहीं चाहिए अच्छा जरा जो बोल रहा जो दिल में है, बोल सकते कोई दिक्कत नहीं है जो दिल ए, हाँ ऐसा कौन कह रहा है ऑनलाइन वाले बच्चे भी पैसा है तो क्या लिखा है गिर रहे हैं वो क्या है? अच्छा पैसे गिर रहे है, पैसे बटोर लो यहाँ पे पैसे गिर रहे है. अच्छा पैसे हाँ डॉलर है करेक्ट है आ, तो बस दोस्तों बात यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम क्या है पैसों का मैनेजमेंट पैसों का अच्छा एक बात आपसे कहू कि जितना आप कमा के पैसा नहीं कमा सकते हो कमा के पैसा नहीं कमा सकते उतना मैनेज करके कमा सकते हो जितना पैसा आप कमा के नहीं कमा सकते उतना मैनेज करके कमा सकते हो दिस आई थिंक एंड आई बिलीव दिस इज बेस्ट सब्जेक्ट ऑन प्लेनेट अरे हो ही बोलो ना हाँ बोलो ना भाई आ, देखो भाई अपन को क्लास है ना एकदम अरे यार लफड़ा है अब भी याद आया कि ढाई बजे अभी कितने बजे ढाई बजे ना तुम तो लोग सो गए तो नहीं, नहीं। नखी चलो पहले एक बात हैं इसमें से मुझे एक में क्वेश्चन पूछ रहा हूं मुझे सही सही आंसर देना है दिल पे हाथ रखे कितने बच्चे रिलेशनशिप में है माँ कसम मतलब ये ये मतलब एक का भी हाथ ऊपर नहीं आया है मतलब समझ लो अगर ऐसा अगर ये अगर अगर ये सही में मायने में अगर ये चीज है तो वो ये बैच का तो हंड्रेड परसेंट से ही चाहिए कोई भी नहीं है इसके दे, इसको देखो बेचारे को देखो ऐसा आ, ऐसा ऐसा कोई मिल ही नहीं रहे क्या करे सर कोई जरी, है, नहीं है क्या है। फायदा नहीं होगा भाई रिलेशनशिप <laughs> बेकार थोड़ी है बेकार है, नहीं है।, नहीं है। तुम ने सही मायने में क्वेश्चन पूछा था कितने बच्चे रिलेशनशिप में है कोई भी नहीं है ऑनलाइन वाले बच्चों से जरा देखे तो कौन है सर मुझे आज तक कोई नहीं मिला हाँ सर बचपन में बचपन से सिंगल हूं सर मेरी है ओके आ... कौन खड़ा है बुला बुला भाई उसको भी देखा जो बुला बुला पाजी है बुला बोला भाई आ जा अंदर आ जा हाँ क्या <laughs> बुला बोला इधर 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 अरे इधर इधर कौन गाली देते देखते <laughs> <'S -2> कौन गाली देते कौन बोला कौन गाली थे बचा तू आया नहीं इसमें तो कैसे हाँ आएगा ना ठीक है ओके पैसा <laughs> एक क्वेश्चन पूछता हूँ गर्लफ्रेंड है ऐसे शर्मा रहा है ऐसे शर्मा रहा है सही में नहीं है इट्स कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक बस बात वही है uh, दोस्तों मस्ती करके ही पढ़ेंगे क्योंकि अगर मस्ती नहीं करी तो तुम फॉर श्योर sure सो जाओगे करेक्ट है और सोना तय है सोना तय है लेकिन uh, दूसरी एक चीज जितना जोर जितना जोश जितना जुनून अभी है जितनी अटेंडेंस अभी है वो अटेंडेंस एंड तक रहनी चाहिए अच्छा अभी मैं क्या आपको क्या लगता है मैं अटेंडेंस के लिए कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स लाऊं कि आप अपने हिसाब से मेंटेन रखोगे क्या शुड टेक सम स्ट्रिक्ट मेजर्स मेजर्स लाना है क्या मैं पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर देता हूं देखो देखो कर दू पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दू क्या साथ यस yes, सर yes, चालेल काय yes, तुम्हारा मराठी तुम्हाला मराठी येतात काय सगळ्यांना येतात काय कोणाला नाही येतात मला पण नाही येतात आ, बस बात देख दोस्तों आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक वी शुड डू अ वेरी सीरियस डिस्कशन लेकिन हाँ एक बात बहुत जरूरी है कि आ, ये बार यूनिक एकेडमी ने ठान लिया है कि 100 रिजल्ट नहीं आपने तो ठाना ही नहीं है अगर ठाना होता तो आप कभी लेक्चर मिस करते नहीं।, नहीं कभी लेक्चर मिस करते नहीं मैं ये ना तुम लोग है ना फालतू वाली बातें करो ये फर्स्ट लेक्चर इसलिए ना एकदम जोरों शोरों में हो बराबर है अब जैसे एक दो तीन चार पांच जाने तो उसके बाद है ना अपनी 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 अपनी, अपनी, अपनी लाइन लगती है हाँ मुझे पता है ना लगता तो हाँ अभी अभी सबसे बड़ी मजा कब आने वाली पच्चीस फैब को क्यों पच्चीस फैब को आएगी ग्रुप वन का रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद तो महात्म मनाते क्या मनाते हैं महातम ऐसा मातम मनाएंगे कि करना क्या है ग्रुप वन करना है ग्रुप टू करना है समझ में नहीं आ रहा है ये 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 चलो हो जाता है अभी पहले एक बात समझते हैं करेक्ट है पच्चीस फेब को हम डिसीजन लेंगे करना क्या है लेकिन अब तो एटलीस्ट मैं ये समझू ये इतना कमिटमेंट आपसे चाहता हूं कि आप लोग दोस्तों लेक्चर मिस नहीं करोगे वी कैन डू वी कैन डेफिनेटली डू वंडर्स वी कैन डेफिनेटली चेंज लाइव बट द ओनली कंडीशन दैट यू हैव टू बी हियर आई होब गेट माई पॉइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैसों का मैनेजमेंट कौन नहीं करना चाहता है कौन नहीं करना चाहता सबको पैसों का मैनेजमेंट सीखना है एंड आई मतलब अश्योर यू दिस सब्जेक्ट डेफिनेटली गोइंग टू चेंज योर लाइफ डेफिनेटली गोइंग टू चेंज योर प्लीज 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 थोड़ा थोड़ी इज्जत देना बेटा ठीक ना न हाँ uh, पहले तो समझते हैं

देखो जरूर आपकी मंजिल क्या है जरा ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोले आपकी मंजिल क्या है एस पता है मंजिल को जब आप पाने की कोशिश करते हो ना तब आपको रास्ते में बहुत सारी अड़चने आती बहुत सारी मुश्किलें आती आ, नहीं मन, अब मेरे साथ साथ आपको मेरे साथ साथ बोलना है मंजिल ने हौसलों से, से कहा तेरी औकात नहीं, नहीं है आपकी मंजिल सीएस है आपकी मंजिल कौन है? CS है। सीएस बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। आपके हौसलों को तोड़ रही है तो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी औकात नहीं है हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे झुका सकता है तो आई थिंक क्या तुम इस बात को ध्यान में रखे क्या जोरों शोरों से लगोगे कि नहीं लगोगे जुड़ोगे कि नहीं जुड़ोगे बस दोस्तों बात यही है कि है ना इनिशियल जोश नहीं चाहिए जोश आने वाले चार महीने तक मेंटेन रहना चाहिए करेक्ट है और पढ़ेंगे फुल ऑन मस्ती करके पढ़ेंगे चिल करके पढ़ेंगे लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब कॉन्सेप्ट समझाना है तो तो कॉन्सेप्ट होता ही है समझाने के लिए मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ता है आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ता है आ, थियरी सब्जेक्ट अगर होता ना तो हम हर सेंटेंस पे एक जोक क्रैक करके थियरी सब्जेक्ट पढ़ सकते थे लेकिन प्रॉब्लम यह है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं थोड़ी रियालिटी शेयर कर दू आपके साथ पास अटेम्प्ट का जो सी में एफ एफएम का पेपर आया वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट पेपर मतलब पिछले आप सात आठ अटेम्प पकड़ लो उसमें से सबसे ट्रिकीएस्ट पेपर जो आया वो एफ और और सीएम का आया सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सीएस में मेजोरिटी बच्चे कॉन्सेप्ट से भागते हैं

आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कैसे कॉन्सेप्चुअल थी क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे सबसे पहले हमारी इंस्टीट्यूट हमसे जो एक्सपेक्ट करती है आ, आ, हमारी इंस्टीट्यूट जो हमसे एक्सपेक्ट करती है वो एक्सपेक्ट क्या करती है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दी एक्सपेक्टेशन ऑफ इंस्टीट्यूट हमारी इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करती है कॉन्सेप्ट खास करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अगर तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है और वो भी एफ एम जैसे सब्जेक्ट में अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो उसके थियरी क्वेश्चन क्रैक करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है तो पहले कसम खानी पड़ेगी कि हम कॉन्सेप्ट से भागेंगे नहीं इज दैट क्लियर टू यू कॉन्सेप्ट समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी लेकिन समझने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी हम ऐसी स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं ऐसी स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम अक्रॉस द इंडिया और उसके रिजल्ट्स 100 परसेंट होंगे होंगे और होंगे Uh, वो कम्युनिकेशन आपको हम करेंगे ट्वेंटी सेवन जैन को टाइमिंग डिसाइड हो जाएगा आपको बहुत सारे रील्स बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे रिसेंट में जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि हाँ वो क्या होगा वो हम आपको बताएंगे ट्वेंटी सेवन जैन को हम किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाने वाले क्या करने वाले सारी बातें ऑलरेडी फाइनल हो चुकी हैं एंड फॉर श्योर और दिस विल बी द रिवॉल्यूशन इन दी एस इंडस्ट्री और ये सी एस इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन रहेगा क्योंकि आज तक किसी ने भी हंड्रेड रिजल्ट पे फोकस किया नहीं है लेकिन दोस्तों एक बात समझ लो कि अगर आप यह समझते हो ना कि यहां बैठ के अगर मैं सो जाऊंगा यहां यहां बैठ के मैं यहां बैठूंगा फिजिकली प्रेजेंट रहूंगा लेकिन मेंटली रहूंगा चाहे वो ऑफलाइन वाले बच्चे हो चाहे वो ऑनलाइन वाले बच्चे हो दोनों को यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी प्रेजेंस मेरे पास नहीं है अगर आपकी प्रेजेंस लेक्चर में नहीं है तो वापस आप वो 92% कैटेगरी में जाओगे सर आपने 92% क्या बोला क्योंकि सीएस मॉडल वन के रिजल्ट्स चाहे सीएस के रिल्स पकड़ लो टू है सौ में से सात बच्चे ही पास होते हैं नाइनटी टू बच्चे फेल होते हैं तो आपको यह तय करना है कि मुझे कौन सी कैटेगरी में जाना है और उस कैटेगरी में जाने के लिए देर आर सम साइंटिफिक पैटर्न हमें वो पुरानी वाली पैटर्न से बाहर निकलना है और नई वाली पैटर्न को समझना है जब तक वो पुरानी वाली पैटर्न से बाहर ही निकले पुरानी पैटर्न कुछ भी नहीं है उसमें कोई कुछ नया करना नहीं कुछ रॉकेट साइंस करना नहीं है सिंपल सी बातें करनी है क्या करना है वो हम आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो भी कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि हमारा मानना ये है कि कोई भी बंदा सीएस में फेल नहीं हो सकता है फेल होना नेक्स्ट टू है अगर फेल होना नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है तो हम पास क्यों नहीं होते हैं दैट इज द मेन क्वेश्चन आई होव गेट माई पॉइंट ओके तो सबसे पहले क्या आपको कॉन्सेप्ट की बात समझ में आ गई ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे uh, uh, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे इंस्टीट्यूट इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स थियरी आपका जो पेपर आता है हाँ अभी आई थिंक जो न्यू सिलेबस रहेगा न्यू सिलेबस में ये पूरा डिस्क्रिप्टिव बनने वाला है लेकिन इंस्टीट्यूट uh, तो है ना मतलब सालों से सिलेबस चेंज करती है हर चार साल में सिलेबस चेंज कर देती है पहले एफ एम सी ए में पहले सी ए में था अकाउंट्स था वो प्रैक्टिकली था ना डिस्क्रिप्टिव ही था लेकिन उसमें भी थियोरी ज़्यादा आती थी मतलब हमारी इंस्टीट्यूट का जो इंक्लिनेशन है चाहे वो एम सी क्यूज पेपर हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो टूवर्ड्स थियरी ज्यादा होता है टूवर्स थियरी ज्यादा होता है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि हमारी इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी इंस्टीट्यूट जो हमसे एक्सपेक्ट करती है वो सबसे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करती है थियरी क्या एक्सपेक्ट करती है थीरी चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे वो आपका ओल्ड सिलेबस हो चाहे वो आपका न्यू सिलेबस हो लेकिन थियरी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं अच्छा आप बताओ थियरी स्ट्रेट थियरी कॉन्सेप्चुअल थियरी

ट मैटर्स अलॉट वो भी get my पॉइंट very क्लियर पास होने की कुछ टेक्निक्स हैं एक second मुझे बताइए क्या ये जरूरी है कि जितना बच्चा सीएस में बैठा हुआ है अपीयर कर रहे बैठा हुआ है सबका रैंक आना चाहिए इट इज नेसेसरी नहीं हाँ जिसके वो विजन्स हैं जिसको इसको लगता है कि मुझे दोनों मॉडल एक साथ देने हैं और मुझे रैंक लाना है हम उसको गलत नहीं कहते हैं लेकिन यार एक बात समझो ना पचास मांग पास होते हैं एग्रीगेट पचास चाहिए कितना चाहिए पचास अरे भाई पचास टक्का आ गए तुम सी एस बन के तीन चार साल का एक्सपीरियंस ले लोगे उसके बाद कौन पूछने वाला है तेरा रैंक था कि नहीं था तूने एक अटैम्प में क्लियर किया दस अटैम्प में क्लियर किया कितने अटैम्प में क्लियर किया एनी वन इज गोइंग टू आस्क यू तो आज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है पास, पास होना मतलब जो रैंकर्स हैं जो ये साथ, जो ये चाहते हैं मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं जो ये सोचते हैं कि मुझे रैंक लाना है अच्छे मार्क्स लाने हैं प्लीज आप उसी तरह से प्रिपरेशन करो लेकिन हम जैसे एवरेज लोगों को क्या सोचना चाहिए मुझे बताओ 92 परसेंट कौन सी कैटेगरी बिलोंग कर रहे हैं एवरेज कैटेगरी बिलोंग कर रहे हैं तो वो 92 परसेंट जो कैटेगरी है उसको क्या सोचना चाहिए हम जैसे एवरेज लोगों को क्या सोचना चाहिए कि भाई पास हो जाए बहुत हो गया अटम बिगड़नी नहीं चाहिए अटम बिगड़नी बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंड में क्या सोचते थे पास हो गए कभी ऐसा सोचते थे कि फेल भी हो सकते हैं नहीं तो बस दोस्तों ये बार हम आपके विजन को एक और डायरेक्शन देने जा रहे हैं कि आप फेल नहीं हो सकते हो नहीं हो सकते हो नहीं हो सकते लेकिन उसके लिए क्या आपका सपोर्ट होना जरूरी है कि नहीं है हेलो हेलो जग रहे हो ना ओके अच्छा जी पेशेंस इज दी की टू सक्सेस वापस बोलो ऑनलाइन yes, वाले बच्चे ही बोलेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे पेशेंस इज दी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताए क्या आपका कोई ब्रेकअप हुआ अभी तो नलायक क्वेश्चन पूछा था रिलेशनशिप में होगी नहीं हो तो मना किया तूने हाँ बोला था क्या आ? आपका ब्रेकअप हुआ है क्या हुआ है अच्छा सब ब्रेकअप करके यहाँ पे आए हो क्या मतलब अच्छा आपने ये सोचा था कि अब सीएस करना है तो ब्रेकअप करके जाते हैं अब मतलब कोई मगजमारी चाहिए बस बात वही है जब ब्रेकअप होता है तो आप पेशेंटफुल रहते हो कि इम्पेश सोच रहे अभी हां क्या रहते भगवान जाने yes. जब ब्रेकअप होता है तो ये ये आपका जो ये जो दुखीपना जो है वो कितने दिन चलता है <Officeů> Boy! Boy! बहुत चलता है क्या Mary. जब तक तो दूसरा कोई मिलता नहीं तब तो तक चलता है yeah, start... नहीं <laughs> बस बात वही है पेशेंस मतलब कोई भी एंगल से अगर आपका पेशेंस कहीं पे मिस आउट हो गया प्लीज लिसन मी केयरफुली प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या हो सकता है कि मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं करेक्ट है और मैं उनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं जिनका प्रैक्टिकल के टूवर्ड्स इंटरेस्ट कम है तुम्हारा तुम्हारा सी एस ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसमें मैथ्स नहीं है थियरी ज्यादा है इसलिए हमें प्रैक्टिकल कम अच्छा लगता है हो सकता है कि मैंने फर्स्ट टाइम कुछ बोला समझ भी नहीं आया मैं तीन बार रिपीट करता हूं कितनी बार मैं तीन बार रिपीट करूंगा तो फर्स्ट टाइम में हो सके तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा डिविएटेड होगा तो समझ में नहीं आया लेकिन सेकंड टाइम में तो फॉर श्योर आएगा हो सकता है सेकंड टाइम में नहीं आया थर्ड टाइम में तो फॉर श्योर आ जाएगा ये मेरी गारंटी है कि अगर आप लेक्चर मिस नहीं करोगे तो आपके दिमाग में हर बातों को हाँ सारी बातें हंड्रेड परसेंट फिट हो जाएगी दिस इज माई गारंटी लेकिन उसके लिए क्या चाहिए पेशेंस फोकस कॉन्सेंट्रेशन एंड पेशेंस मुझे लग रहा है कि आप है ना कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी बना लो कुछ भी कर लो लेकिन अगर आपके पास फोकस नहीं है कॉन्सेंट्रेशन नहीं है और आपके पास पेशेंस नहीं है जो पढ़ा रहा हूं मैं अभी बोल तो रहा हूं बराबर है लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है फोकस नहीं है सेकेंड मैंने पढ़ाया चलो आपका कॉन्सेंट्रेशन है मैंने पढ़ाया पहली बार में समझ में नहीं आया लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि मुझे इंपेश्स नहीं होना है चलो अभी समझ में नहीं आया ना लायक अभी समझ में नहीं आया सेकेंड टाइम में समझ में आ जाएगा थर्ड टाइम में समझ में आ जाएगा लेकिन आएगा वो फॉर श्योर sure. इसीलिए जब भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने बैठोगे चाहे वो ऑफलाइन रहे चाहे वो ऑनलाइन रहे मैं कोई बच्चों को इग्नोर नहीं करूंगा आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं वन टू वन पढ़ाऊंगा आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी मैं साथ में पढ़ाऊंगा लेकिन नहीं होना है फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आ गया ठीक है हाथ ऊपर कर दो कि सर समझ में आया नहीं है मैं कहूंगा थोड़ा पेशेंस रख ले मैं आगे बोलूंगा समझ में आ जाएगा हो सकता है कि मैंने अभी कुछ बोलना स्टार्ट किया उसकी कनेक्टिविटी थोड़ा आगे आने वाली है तो जैसे जैसे मैं बोलना स्टार्ट करूंगा आप फॉर श्योर sure मेरी बातों को कनेक्ट कर जाओगे ये गारंटी है लेकिन पेशेंस रखोगे कि नहीं रखोगे मैं हर दिन ये सेंटेंस बोलूंगा पेशेंस इज द की टू सक्सेस फोकस कंसंट्रेशन एंड पेशेंस ये तीन बातें चाहिए अभी अभी तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा अगर आपको पुश कर दिया जाए जैसे कुछ बच्चे अपना रास्ता खुद बनाते हैं लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा पुश की जरूरत होती है जैसे कि मैं नालायक था आप नालायक हो कि नहीं हो मैं तो बड़ा नलायक था मैं तो बड़ा नलायक था मैं तो बड़ा नलायक था आ, सर देव इतना सच नहीं बोलता था भाई ये क्या है ये ठीक है आ, मैं बड़ा नलायक था मैं है ना मैंने सेवनटीन की एज पे पढ़ना छोड़ दिया था अब वो एक कुछ बहुत बड़ी घटनाएं थी सब बराबर है आ, पढ़ना छोड़ दिया था और मैंने पढ़ाई स्टार्ट 32 की थी वापस थर्टी की एज पे तो इतने गैप के बाद पढ़ाई करना चालू किया था आ, कभी जब मौका मिलेगा तो ये बातें बताऊंगा मैं आपको कि वो क्या था एक्जैक्टली exactly. अभी तो नहीं अभी तो नहीं लेकिन वो फॉर मैंने सुना है बेटा मैंने एक दिन अब्बर सर को पटक पटक के ऐसा धोया था ध्यान रखना क्यों रुक जाते हो चार दिन की मेहनत के बाद बोलो मेरे साथ साथ क्यों रुक जाते हो चार दिन की मेहनत के बाद वत लगता है बीज को भी फसल बनने में क्या मैं आज आपको एक सेंटेंस बोल दूंगा और क्या आप पूरा एफएम समझ जाओगे ऐसा है क्या विराट कोहली ने फर्स्ट टाइम बैट पकड़ा था वो क्रिकेटर बन गया था रोनाल्डो ने फर्स्ट टाइम फुटबॉल को किक मारी होगी और फुटबॉलर बन गया था हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मैं एक सेंटेंस बोलूं और आपके दिमाग के बाद चली जाए इसीलिए पेशेंस इज द की टू सक्सेस अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मैं आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाना मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा तो आपको सबसे पहले लेक्चर में जब भी बैठोगे तो नंबर वन कंटिन्यूएशन नंबर टू पेशेंस दो चीज चाहिए क्या चाहिए आपके पास और मार्क्स कितने लाने अपन को ऐसे तो साठ सत्तरी लाने हैं जिसका टारगेट है जो स्कोर करना चाहते है वो हंड्रेड आउट हंड्रेड भी स्कोर कर सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन आज हमारा टारगेट क्या है सीएस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट स्ट्रोक में क्लियर करना है मतलब कर तो उसके लिए क्या चाहिए पचास ही चाहिए तो पचास तो ऐसे ही आएंगे पचास तो अगर आपने अगर एक भी लेक्चर मिस नहीं किया ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तो पचास तो आई जाएंगे लेकिन अगर आपने बीच में लेक्चर मिस किया मुस्तकिन तो दिक्कत क्या होगा जैसे लास्ट टाइम हुआ था वैसे होगा हुआ था कि नहीं हुआ था बता नहीं जिन बच्चों ने ये रियलाइज़ किया है कि मैंने बीच में क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होगी बताएं क्या मैं टाइम कल से टॉपिक स्टार्ट करूँ टाइम बिलू बनी ठीक है आप आपसे बहुत कुछ बच्चों ने देखा भी होगा तो अगर आपको लग रहा है आ रहा है तो आप दो चार दिन के लिए आराम कर सकते हो लेकिन मुझे लग रहा है आके बैठ जाना वापस तो जो जो छोटी छोटी बातें जो क्लियर नहीं हुएगी क्लियर हो जाएगी आपको आ, तो प्रॉब्लम क्या होगी बताएं क्या प्रॉब्लम क्या होगी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि मैं सिखाना चालू करूंगा फर्स्ट लेक्चर आपने आए सेकंड में नहीं आए तो थर्ड में समझ में नहीं आएगा अब आपको लगेगा थर्ड में समझ में नहीं आया तो जाने दिए टॉपिक छोड़ता से से मतलब हूँ तो समझ में आता नहीं है लेकिन प्रॉब्लम है सिर्फ कंटिन्यूएशन की किसकी प्रॉब्लम अगर आपका कंटिन्यूएशन है तो ये मेरी गारंटी होगी आपको आपको ऐसा एक भी वर्ड नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा सो जाओगे फोकस कॉन्सेंट्रेशन एंड पेशेंस इज दी टू सक्सेस क्या ये बात आपको समझ में आ गई मुझे बताइए फटाफट इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है अच्छा रख हौसला बोलो मेरे साथ साथ वो मंजर भी आएगा, भी आएगा। प्यासे, के पास। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी, भी मिलेगी और मिलने का मजा भी मंजिल क्या है क्या है सी एस बनना है यू शुड रिमूव कंफ्यूजन वर्ड कौन सा वर्ड कंफ्यूजन वर्ड फ्रॉम योर डिक्शनरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसकी है अरे पागल बना देते हैं पागल बना देते हैं कि सर कंफ्यूजन हो रहा है कंफ्यूजन हो रहा है अरे भाई सुन तो सही पेशेंस तो रख मैं वही कह रहा हूं कि आपको बस एक ही चीज मुझे देनी है कि पेशेंस क्या देना आपको रेगुलरिटी एंड पेशेंस अगर ये दो चीज अगर आप मुझे दोगे तो आपको एफ में दिक्कत नहीं आएगी दिस इज गारंटी दिस इज करेक्ट पचास साठ तो आई जाएंगे पचास साठ तो आई जाएंगे तो आई थिंक विद दिस आई बिगिन आई बिगिन में स्टार्ट कर सकता हूं क्या मुझे बताओ फटाफट आई बिगिन इन लोगों का तो नाम सुना ही होगा आपने वॉरेन बफेट एंड राकेश झुंझुन वाला आई थिंक वॉरेन बफेट तो अभी भी है लेकिन राकेश झुर जी अब तो चले गए आ, क्या ये लोग जो पैसे वाले बने क्या ये पैसा कमा के पैसे वाले बने कि पैसा मैनेज करके पैसे वाले बने पढ़ना क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलो क्या पढ़ना है फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज नथिंग बट पैसों का एंड अल्टीमेट गोल ऑफ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल सर ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल का मतलब क्या होता है एक शेयर होल्डर पैसे वाला कैसे बने एक शोल्डर पैसे वाला कैसे बने की कंपनी बना दी एज ऑफ फैक्ट अदानी जो है गौतम अदानी ना नाम तो मुझे हाँ, तो पढ़े लिखे भी नहीं है उन्होंने तो स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया था कि फैमिली को सपोर्ट करना था तो उस टाइम पे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन ये लोग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं पैसों का मैनेजमेंट करते हैं वंडरफुल एंड एक्सेप्शन अब भी रिसेंटली कुछ अदानी ने 6000 करोड़ की लोन लिए अब जस्ट इमेजिन करो यार ये लोग लाखों करोड़ की बात करते हैं कहीं ना कहीं आप में से भी वो स्टार्टअप एंट्रप्रनर यहां पे स्टार्टअप करने वाला स्टार्ट करने वाला एंटरप्रनर यहां पे बैठा हुआ है जिसकी थॉट को डायरेक्शन मिल सकता है अदानी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि बिजनेस करने के लिए Uh, किसी ने पूछा था कि एजुकेशन नहीं है तो क्या आपको दिक्कत नहीं आ रही है क्या तो उसने कहा कि मतलब मेरी पढ़ने की तो बड़ी इच्छा थी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया था अगर एजुकेशन होता तो सोने पे सुहागा होता आप समझो मेरी बातों को कहने का मतलब यह है कि बिजनेस का कोई भी रिलेशन एजुकेशन के साथ नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे लेकिन क्या अदानी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है क्या अरे उससे तो ये सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी पैसों का बेस्ट मैनेजमेंट वो कर सकता है आपको यह बात समझना बहुत जरूरी है कि आप में से भी ऐसा कोई बंदा है कि कल उठ के कोई बड़ा स्टार्टअप करेगा सौ करोड़ हजार करोड़ दो हजार करोड़ की कंपनी बनाएगा लाखों करोड़ की कंपनी बनाएगा लेकिन उसके लिए जो चाहिए वो करेज चाहिए पेशेंस चाहिए क्या चाहिए करेज चाहिए

पेशेंस इज to सक्सेस जब तक आप में पेशेंस नहीं है ना आप छोटी सी चीज को भी अचीव नहीं कर सकते अगर कोई बड़ी चीज को अचीव करना है ना तो बिलीव मी और नॉट बड़ी चीज तभी बनती है जब आप छोटी छोटी चीजों को जोड़ते हो इन्फोसिस ने दस हजार रुपये से कंपनी स्टार्ट की थी चार लोगों से और आज उसने लाखों करोड़ों की कंपनी बना दी ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम उन एग्जाम्पल्स और श्योर करेक्ट है आ, आपकी आशीर्वाद से आपके प्यार से हजारों करोड़ की कंपनी भी बनेगी जरूर बनेगी लेकिन मुद्दा ये है कि अगर हमारा ये बार का विजन हंड्रेड परसेंट रिजल्ट क्या आप सपोर्ट करोगे क्या और श्योर हंड्रेड परसेंट रिजल्ट सर मैंने अभी तक सीरीज नहीं कराया है आके कहा देना आ, देख सकते हो बेटा कोई दिक्कत नहीं है मुझे लग रहा है कि अगर हंड्रेड परसेंट रिजल्ट पे काम किया जाए लेकिन उसके लिए किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना जरूरी है तो मैंने कुछ थॉट्स दिए थे अब्बट सर मोदी सर सोमिल सर ने पवन सर ने उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मुझे और उनके सपोर्ट से और बाकी की टीम रेडी हो चुकी है सत्ताईस जनवरी की वेट करो एंड सत्ताईस जनवरी को एक ऐसा धमाकेदार स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा सारी टीम साथ में रहेगी एंड फॉर श्योर हंड्रेड परसेंट रिजल्ट और मैं कहता हूं कि, कि अगर ये हंड्रेड परसेंट रिजल्ट आ गया ना सर तो मैं कह रहा हूं जेन्यनली इट विल बी रिवॉल्यूशन इट विल बी और आपके प्यार से आपके आशीर्वाद से यूनिक अकेडवी हजारों करोड़ की कंपनी बनेगी uh, लेकिन दोस्तों आज मुझे सिखाना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हाउ टू मैक्सिमाइज दी शेयर होल्डर्स वेल्थ अभी ये सेंटेंस अभी इतना समझ में नहीं आएगा मैं धीरे धीरे ये सेंटेंस पे आता हूं वापस अभी सुनोगे मेरी बात को ध्यान से हाँ जी ये कौन है ये है सोमिल सर और साथ में कौन चल रही है साथ में कौन चल रही है सोमिल सर की गर्लफ्रेंड कौन चल रही है सोमिल सर की गर्लफ्रेंड नाम है क्या आपको आपको बताएं हाँ सोमिल सर को अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाना है सोमिल सर को क्या करना है अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाना है तो अब आप मुझे बताओ गर्लफ्रेंड को घुमाना है तो क्या चाहिए अच्छा गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए पैसा मम्मी से मांगोगे डैड से मांगोगे तो किससे मांगोगे चलो कहीं से कहीं से मांगोगे कि नहीं मांगोगे तो जो पैसा आता है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं फाइनेंसिंग क्या कहते हैं अच्छा पैसा जब आएगा तो पैसा आने को क्या कहेंगे फाइनेंसिंग क्या उसी पैसे को यूज करोगे कि नहीं करोगे उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग अगर सोमिल सर ने अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज किया तो उसे क्या कहेंगे फाइनेंसिंग लेकिन ये कौन सा फाइनेंस हो जाएगा पर्सनल फाइनेंस कौन सा फाइनेंस हो जाएगा पर्सनल फाइनेंस लेकिन आज हम क्या पर्सनल फाइनेंस की बात करने वाले हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करने वाले कॉर्पोरेट मतलब कंपनी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कंपनी अच्छा एक सेकेंड अदानी ने डिसाइड किया कि मैं छह करोड़ इन्वेस्ट करूंगा सुनो मेरी बात को ध्यान से आप ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पोंड करेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पोंड करेंगे अदानी uh, ने डिसाइड किया कि मैं 6000 सीआर इन्वेस्ट करूंगा इसका मतलब पैसा कहीं ना कहीं पे जाने वाला है उसने बैंक से 6000 करोड़ की लोन ली आपको पता है 6000 करोड़ की लोन लेने को डेट कहते हैं क्या कहते हैं उसे डेट डेट मतलब कर्जा डेट का मतलब क्या होता है कर्जा मतलब उसने 6000 करोड़ की लोन ली ऑनलाइन वाले बच्चे भी करेंगे तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या ये जो 6000 करोड़ की जो लोन ली उससे पैसा आया कि नहीं आया तो ये पैसा आने को कहते हैं फाइनेंसिंग है? और वही पैसा उसने कहीं पर इन्वेस्ट किया तो उसे क्या कहेंगे इन्वेस्टिंग पैसा पैसा उठाना पैसा उठाना फाइनेंसिंग पैसा डिप्लॉय करना डिप्लॉय करना मतलब पैसा लगाना इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन दो आस्पेक्ट फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग बोलो मेरे साथ वापस फाइनेंसिंग का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड बोलो मेरे साथ साथ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड बोलो मेरे साथ साथ और इन्वेस्टिंग का मतलब डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड समझ में आया क्या आपको यहां पे इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है डेप्लॉयमेंट पैसा उठाओगे तो पैसा लगाओगे अच्छा पैसा उठाया फाइनेंसिंग पैसा लगाया इन्वेस्टिंग कौन सा डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन कौन सा डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन वो होता है जहाँ, में जो और कोई भी के दो मेन आस्पेक्ट होते हैं नंबर वन नंबर टू इन्वेस्टिंग क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई आई होप गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर ओके अब आप मुझे बताओगे अब सर ने रिसेंटली अभी गोल्ड में इन्वेस्ट किया था पचास लाख रुपया कितना इन्वेस्ट किया था पचास लाख

Osionfish. कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें ओके okay. uh, मैंने किसी कंपनी के रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया किसमें इन्वेस्ट किया रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया मैंने रिलायंस कंपनी के 2000 शेयर्स खरीदे कितने शेयर्स खरीदे टू थाउजेंड कितने में खरीदे वन थाउजेंड ईच तो मुझे बताओ मैंने कितना कितना मैंने कितना इन्वेस्ट किया ट्वेंटी लैक्स आज उसकी प्राइस हो गई है 1500 थाउजेंड फाइव तो मैं टू को अगर 1500 से मल्टीप्लाई करूं नहीं नहीं तो मुझे बताओ नहीं खरीदा कितने में था मैंने कितने में खरीदा था हजार आज उसकी वर्थ कितनी हो गई पंद्रह सो तो क्या पांच सौ रुपया इंक्रीमेंट हुआ तो मुझे बताओ टू थाउजेंड इंटू फाइव हंड्रेड क्या दस लाख से मेरी क्या वेल्थ इंक्रीज हुई कि नहीं है वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति वेल्थ का मतलब क्या होता है संपत्ति वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति अच्छा अब्बर सर ने किस में इन्वेस्टमेंट किया था गोल्ड में क्या उसकी वेल्थ इंक्रीज हुई अच्छा मोदी सर ने कहां कहा इन्वेस्ट किया था बिटकॉइन क्या उनकी भी वेल्थ इंक्रीज हुई अच्छा पुष्कर ने पे इन्वेस्ट किया था रियल एस्टेट क्या उनकी भी वेल्थ इंक्रीज हुई मैंने कहां पे इन्वेस्ट किया था शेयर्स क्या मेरी भी वेल्थ इंक्रीज हुई अच्छा लेकिन जब हम बात करते अच्छा व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ जब भी हम शेयर होल्डर्स के वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वी आर इन दी वी आर टॉकिंग अबाउट इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर होल्डिंग्स ओनली हमें कोई गोल्ड के रेफर गोल्ड के वेल्थ से कोई मतलब नहीं है हमें कोई रियल एस्टेट से मतलब नहीं है हमें कोई बिटकॉइन मतलब से मतलब नहीं है हमें जो भी मतलब है जो भी पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है शेयर के बारे में तो आप मुझे बताओगे आप मुझे बताओगे किसी भी शेयर होल्डर की नहीं नहीं वट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हाउ टू मैक्सिमाइज दी शेयर होल्डर्स वेल शेयर होल्डर्स की वेल्थ को किस तरह से मैक्सिमाइज करें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे आज हजार रुपए में खरीदे कल वो पंद्रह सौ रुपया बन जाएगा तो मुझे बताओ क्या पांच सौ रुपए से क्या उसकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है तो किसी भी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है बाय इंक्रीजिंग दी शेयर प्राइस बाय इंक्रीजिंग दी शेयर प्राइस तो जब हम वेल्थ की बात करेंगे तो किसके कॉन्टेक्ट से बात करेंगे गोल्ड रियल एस्टेट बिटकॉइन शेयर आई यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर इसीलिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है हाउ टू मैक्सिमाइज दी शेयर होल्डर्स वेल्थ हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को किस तरह से मैक्सिमाइज करें लेकिन वेल्थ कॉन्टेक्स किस में आएगा यह समझना बहुत जरूरी है वेल्थ इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर होल्डिंग ओनली कोई दिक्कत वाली बात अच्छा अब मुझे आप एक चीज बताओगे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज हाउ टू मैक्सिमाइज़ शेयर होल्डर्स एफ एम वेल्थ विल बी इन दी कॉन्टेस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग ओनली कोई दिक्कत वाली बात है कंपनी आवाज नहीं आई हु ओन्स हु रन द कंपनी गलत हाँ करेक्ट है कंपनी हु कंपनी हु गिव्स डिरेक्शन टू द शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये समझना बहुत जरूरी है समझता वापस हु ओन्स द कंपनी हु ओन्स द कंपनी शेयर होल्डर हु रन्स द कंपनी हु गिव्स डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट मुझे बताओ व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट शेयर uh, होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है बाय इंक्रीजिंग द शेयर प्राइस आप शेयर प्राइस इंक्रीज करो और शेयर होल्डर की वेल्थ क्या हो जाएगी मैक्सिमाइज हो जाएगी तो दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए ना कि सर हम शेयर प्राइस इंक्रीज कैसे करें हम शेयर प्राइस इंक्रीज कैसे करें तो उसके लिए सबसे पहले हु ओन्स द कंपनी हु रन्स द कंपनी हु गिव्स डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट मैनेजमेंट शुड रन द कंपनी इन सच अ मैनर

नहीं यूनिक एकेडमी का परफॉर्मेंस डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है टीचर्स के परफॉर्मेंस अगर टीचर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो यूनिक एकेडमी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा टीचर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करेंगे स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करेंगे रेफरेंस देंगे रेफरेंस देंगे तो क्या ईयर बाय ईयर बैच बाय बैच क्या साइज बढ़ते जाएगा साइज बढ़ते जाएगा तो क्या रेवेन्यू बढ़ेगी रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्या पैसा आएगा पैसा आएगा तो क्या प्रॉफिट आएगा तो मैंने ये कहा कि हाउ टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ मेरी बात को ध्यान से सुनना शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है एक ही जरिया है, एक ही ही जरिया जरिया है, है इंक्रीज करे कैसे तो शेयर प्राइस को इंक्रीज करने के लिए मैनेजमेंट शुड परफॉर्म इन सच अ मैनर मैनेजमेंट को उस तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे शेयर प्राइस क्या हो सस्टेनेबल मैनर में ऊपर जाए सर बात समझ में नहीं आई मुझे बताओ क्या मैनेजमेंट को अच्छे प्लान बनाने चाहिए क्या अच्छी पॉलिसीज बनानी चाहिए अच्छे अच्छी 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 प्रोडक्ट बनानी चाहिए अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए अच्छा प्रोटोकॉल होना चाहिए अगर ये सारी बातें अच्छी हैं तो मुझे बताओ क्या कंपनी का सेल्स अच्छा होगा कंपनी का सेल्स अच्छा होगा तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा अगर उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कॉमन सेंस अगेन अप्लाई करो क्या उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी डिमांड yes, बढ़ेगी तो क्या शेयर प्राइस ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी आई यू गेट पॉइंट क्लियर वट इज दल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हाउ टू मैक्सिमाइज दी शेयर होल्डर्स वेल्थ और शेयर होल्ड की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है दर इज ओनली वन वे बाई इंक्रीजिंग दी शेयर प्राइस और शेयर प्राइस को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं मैनेजमेंट शुड परफॉर्म इन सच अ वे अच्छा Uh, आज भी न्यूज आ जाए कि मुकेश अंबानी की तबियत खराब है तो मुझे बताए एक सेकंड एक सेकेंड नहीं नहीं शेयर प्राइस को ऊपर लेके जाना है तो कंपनी से पॉजिटिव न्यूज आनी चाहिए कि नेगेटिव न्यूज आनी चाहिए अगर कंपनी से पॉजिटिव न्यूज बाहर आएगी तो क्या मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होंगे अगर कंपनी पॉजिटिव न्यूज मान के चलो कि रिल, रिलायंस ने अभी डिक्लेयर कर दिया कि हमने कोई एक बड़ी कंपनी को अक्वायर कर लिया है तो बताओ ये पॉजिटिव न्यूज है नेगेटिव न्यूज रिलायंस ने कह दिया कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 लाख करोड़ का डेट था सुनो मेरी बात कितने का डेट था हमने पूरा वाइप ऑफ कर दिया वाइप ऑफ कर दिया मतलब पूरा पेमेंट रीपेमेंट कर दिया उसका क्या कर दिया रीपेमेंट कर दिया दस लाख करोड़ का कर्जा था कर्जे को रीपेमेंट करना क्या कंपनी से एक न्यूज बाहर आई पॉजिटिव की नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव न्यूज बाहर आएगी तो क्या उसकी इंपैक्ट उसकी इंपैक्ट लोगों पे जाएगी कि नहीं जाएगी क्या इंपैक्ट जाएगी लोग क्या बोलेंगे ये कंपनी से अगर पॉजिटिव न्यूज बाहर आती है तो उसका मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है अगर कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो क्या उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज होगी अगर शेयर प्राइस इंक्रीज होगी तो कौन पैसे वाला बनेगा व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हाउ टू मैक्माइज दी शेयर होल्डर्स वेल्थ और शेयर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है, है कि मैनेजमेंट को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा तो क्या उसकी इंपैक्ट क्या सेल्स पे जाएगी सेल्स की इंपैक्ट प्रॉफिट पे जाएगी प्रॉफिट की इंपैक्ट शेयर प्राइस पे जाएगी हेलो बात समझ में आ रही है क्या वॉट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शेयर की वेल्थ मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है बाय इंक्रीजिंग दी बाय इंक्रीजिंग दी शेयर प्राइस बाय इंक्रीजिंग दी शेयर प्राइस लेकिन अगर कंपनी से कोई नेगेटिव न्यूज बाहर आई तो क्या शेयर प्राइस नीचे भी जा सकती है सेंटिमेंट क्या कहते हैं उसे मार्केट सेंटिमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल कोविड नाइनटीन में सेंटिमेंट पॉजिटिव थे कि नेगेटिव थे तो उससे क्या मार्केट नीचे गया था अगर मार्केट नीचे गया तो क्या शेयर प्राइस भी नीचे गई तो वेल्थ वेल्थ इंक्रीज हुई कि हुई डिक्रीज लेकिन जैसे जैसे कोविड जैसे फेज आउट में कोविड चला गया उसके बाद क्या पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुए तो पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुए तो जो न्यूज पास ऑन हो रही थी सेंटीमेंट पॉजिटिव बन रहे थे एनवायरमेंट पॉजिटिव बन रहा था तो क्या मार्केट ऊपर जा रहा था अगर मार्केट ऊपर गया तो क्या शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी आई यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर वॉट इज दल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट और शेयर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का एक ही जरिया है बाय इंक्रीजिंग दी शेयर प्राइस और शेयर प्राइस को इंक्रीज करने का एक ही जरिया है बताओ क्या जरिया है uh, नहीं मैनेजमेंट शुड परफॉर्म इन सच अ मैनर दैट शेयर प्राइस शुड गो अप इन अ सस्टेनेबल सर यह सस्टेनेबल मैनर क्या होता है जैसे आज शेयर प्राइस ऊपर गई सौ रुपया डेढ़ सौ एक सौ सेवेंटी वन एटी इसे कहते हैं सस्टेनेबल मैनर कौन सा मैनर करते हैं मतलब ऐसा परफॉर्म करो कि तुम्हारी शेयर प्राइस ऐसा परफॉर्म करो कि बैच बाय बैच स्टूडेंट्स बढ़ते ही जाए इसे कहते हैं सस्टेनेबल मैनर कौन सा मैनर कहते हैं शेयर होल्डर्स वेल आज के दिन के लिए इतना तो ही है लेकिन क्या अल्टीमेट आपको समझ में आ गया कि एफ एम पढ़ना क्यों है तो एफ नहीं रुक जाओ रुक जाओ एफ एम पढ़ने का मेन uh, हाँ अभी कल से मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा कल मैं पहले क्या करूंगा सिलेबस का ब्रीफ आउट दूंगा तो सबसे पहले क्या होगा आई विल ब्रीफ आउट अबाउट दी सिलेबस सिलेबस का ब्रीफ करूंगा और ब्रीफ करने के बाद टाइम वैल्यू मनी से कैसे स्टार्ट करूंगा आपका टाइम वैल्यू मनी से तो टुमारो विल स्टार्ट दी टॉपिक एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट की व्हाट इज दी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हाउ टू मैक्सिमाइज दी अच्छा एक मिनट रुक जाओ व्हाट इज दी मेन एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग का मतलब इन्वेस्टिंग का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड मतलब अरेंजमेंट मतलब फाइनेंसिंग अरेंजमेंट ऑफ फंड मतलब फाइनेंसिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मतलब प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट फाइनेंसिंग अच्छा डेप्लॉयमेंट ऑफ फंड मतलब यूज ऑफ फंड मतलब कल और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टेन डेज में बहुत स्लो चलूंगा स्लो चलूंगा स्पीड तो ये रहेगी एंड तक लेकिन क्या होगा पहले मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए क्या मैच हो जाए फ्रीक्वेंसी एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी फिर मुझे थोड़ा ज्यादा बोलने में दिक्कत नहीं आएगी तो हो बी गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर कोई दिक्कत वाली बात है मुझे बताओ फटाफट मैं में मंडे ऑनवर्ड आई स्टार्ट विद ऑफ प्रेफरें क्या स्टार्ट करूंगा आपका रिडम शोफरेंस पहले छोटे छोटे टॉपिक सारे कंप्लीट करूंगा लेकिन हाँ एक विट सीएमए के लिए आई वॉन्ट ओनली वन सपोर्ट मैंने क्या कहा था कि एडिशनल एमसीक्यू प्रैक्टिस कौन करवाएंगे नवनी सर उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सारे कॉन्सेप्ट मैं करा दूंगा आपको करेक्ट है और एडिशनल एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके नवनी सर करवाएंगे तो और एमसीक्यू uh, सेशन हर दिन रहेंगे ताकि आपका भी एक ना फ्लो बना रहे क्योंकि आप कितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया है ना तो आप उसको क्रैक नहीं कर पाओगे क्लियर है क्या कोई दिक्कत सी एस वन स्टॉक में क्लियर करना है कि नहीं करना है श्योर yes, sure. yes, चलो मिलते हैं वी विल सी टू वर्ड टू थर्टी with we'll me.